हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नंबर 6 चालू करने जा रहे हैं। ये क्लैंपर सर्किट में पार्ट 2 रहेगा, नेगेटिव क्लैंपर सर्किट। इसको किस तरीके से स्टडी करते हैं वो देखिएगा, ठीक है? एक बार देखिएगा इसको किस तरीके से अपन स्टडी करते हैं, ठीक है? तो देखिए भाई, तो इसको किस तरीके से स्टडी करते हैं वो देखिए। नेगेटिव क्लैंपर सर्किट, नेगेटिव क्लैंपर सर्किट। नेगेटिव क्लैंपर सर्किट, क्लैंपर सर्किट, ठीक है? नेगेटिव क्लैंपर सर्किट देखिएगा किस तरीके से नेगेटिव क्लैंपर सर्किट की अपन लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं किस तरीके से इसका डायग्राम होता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास एक डायोड लगा होता है, ठीक है? ये आपके पास डायोड हो गया, और इस ये पी होता है, ये एन होता है, और ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। इसका डायोड का जो वोल्टेज है या पोटेंशियल जो कहते हैं वी डी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है? लगा दिया भाई, रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है? ये आपके पास हायर वोल्टेज का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? हायर वोल्टेज का रेजिस्टेंस होता है। ये आपके पास हायर वोल्टेज का रेजिस्टेंस होता है। ये आपके पास क्या होता है? आउटपुट होता है, प्लस माइनस वी आउटपुट। ये आपके पास वी आउटपुट होता है, ठीक है? देखिएगा ये आपके पास क्या होता है, वी आउटपुट होता है, वी आउटपुट, ठीक है? ये आपके पास डायग्राम है क्लैंपर सर्किट का, नेगेटिव क्लैंपर सर्किट का डायग्राम है। ये प्लस, ये माइनस, ये वी इनपुट, साइनसोइडल सिग्नल देते हैं, तो वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है? वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वी सी इसका पोटेंशियल, प्लस माइनस, ठीक है? प्लस माइनस इसकी प्लेट पर अपन लगा देते हैं, प्लस प्लेट और माइनस प्लेट, ठीक है? अब इसका जो डायग्राम बनाते हैं इनपुट का, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिएगा इनपुट का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिएगा इनपुट का डायग्राम है आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है? थोड़ा सा गलत बन रहा है अपने पास, तो ढंग से बनाते हैं इनपुट का डायग्राम। तो देखिएगा इनपुट का डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। ये आपके पास इनपुट का डायग्राम हो गया, ठीक? ये आपके पास इनपुट का डायग्राम हो गया है। ये आपके पास टी बाई फोर, ये टी बाई टू, और ये आपके पास थ्री टी बाई फोर, ये आपके पास टी, और ये आपके पास जीरो, और ये वी एम मैक्सिमम माइनस वी एम मिनिमम, ठीक है? माइनस वी एम मिनिमम, ठीक है? देखिएगा माइनस वी एम मिनिमम, मिनिमम आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आप अपन क्या करते हैं कि कैपेसिटर का अपन ने एक गोल्डन रूल देखा था, एक गोल्डन रूल देखा था कैपेसिटर का, गोल्डन रूल देखा था। क्या देखा था गोल्डन रूल? कैपेसिटर, कैपेसिटर does not allow, क्या अलाउ नहीं करता कैपेसिटर आपके पास, does not allow to change its voltage,
अपनी वोल्टेज में जो चेंजमेंट है वो अलाउ नहीं करता। यानी अगर मैं वी इनपुट बढ़ा दूं थोड़ा सा तो अपने पास ये कैपेसिटर अलाउ नहीं करेगा कि इसमें थोड़ा सा आपके पास क्या हो जाए चेंजमेंट हो जाए। यानी अगर मैं थोड़ा सा कैपेसिटर में वोल्टेज बढ़ा दूं, या आपके पास जीरो वोल्टेज है तो जीरो वोल्टेज में से थोड़ा सा वोल्टेज आपके पास इनपुट का मैं बढ़ा दूं, तो ये अलाउ नहीं करेगा कि मैं चेंजमेंट हो जाऊं, कि चेंज हो जाऊं मैं इसके अलोंग, जो आपके पास जीरो वोल्टेज में थोड़ा बढ़ा दिया तो मैं चेंज हो जाऊं, वो वही रहेगा जो जीरो वोल्टेज पर है, और नेगेटिव कर दूं थोड़ा कम कर दूं तब भी वही रहेगा वोल्टेज जो जीरो वोल्ट पे। अलाउ नहीं करता कि थोड़ा सा आपके पास क्या हो जाए आपके पास चेंज हो जाए वोल्टेज में, क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो इसी गोल्डन रूल को यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसी गोल्डन रूल को यहाँ पर यूज़ लेंगे। सबसे पहले अपन कुछ ना कुछ इनपुट को बढ़ाएंगे और अपन डायोड का बिहेवियर देखेंगे कि डायोड ऑन होता है या ऑफ होता है, उसके रिस्पेक्ट में आगे हम टाइम कॉन्स्टेंट की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वी इनपुट को थोड़ा सा बढ़ाकर देखते हैं। ठीक है, तो इस गोल्डन रूल के आधार पर थोड़ा वी इनपुट बढ़ाते हैं, यानी थोड़ा सा प्लस करते हैं, तो डायोड में डायोड का जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होगा, डायोड का नहीं, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है आपके पास वो चेंज नहीं होगा, वो जीरो वोल्ट ही रहेगा। और उसके बाद में केवीएल लगाकर इसके बिहेवियर को देखते हैं, डायोड ऑफ होगा या ऑन रहेगा। ठीक है, इसकी बायसिंग को चेक करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग होगी या रिवर्स बायसिंग होगी। ठीक है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले अपन ने जैसे वोल्टेज बढ़ाने का क्या मीन है यहाँ पर, वोल्टेज बढ़ाने का, जैसे मैं इस तरीके से चलूंगा इस वेव फॉर्म पर, इस तरीके से चलूंगा वेव फॉर्म पर, तो सबसे पहले मैं 0 से T/4 टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म को चेक करूंगा कि मैं इनपुट बढ़ाऊं मैं, ये आपके पास क्या है, इनपुट टाइम का फंक्शन होगा और ओमेगा टी के बीच में ये कर्व है। तो इस कर्व में सबसे पहले मैं बढ़ाने का क्या मतलब है, 0.1 वोल्ट इनपुट करने का मतलब क्या है कि इसको मैं बढ़ाऊंगा। तो मान लिया मैं 0.1 वोल्ट पर पहुंचा या 0.2 वोल्ट पे पहुंचा, और इस टाइम पीरियड में बात करूंगा 0 से T/4 टाइम पीरियड में, तो मैं बात करने वाला हूं यहां पर 0 से अपना टाइम कितना होगा T/4। ठीक है, इस पीरियड में मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, क्या बिहेवियर होगा, तो देखिएगा इसमें मैं बिहेवियर को चेक करता हूं, तो मैं इस बात को ऊपर लेके चलता हूं, तो देखिएगा किस तरीके से मैं बढ़ाता हूं। तो ये T0 से T/4 के बीच में आपका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो देखिएगा मैं क्या करता हूं, तो सबसे पहले मैं वी इनपुट का जो आपके पास वैल्यू है, वो इनपुट का वैल्यू है जो टी के फंक्शन है, वो मैं 0.1 वोल्ट रख रहा हूं। ठीक है, और वी सी तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, वी सी तो इस टाइम पर, किसी भी टाइम पे बात कर रहा हूँ, ये टाइम 0 से T/4 के बीच में होगा, इस टाइम पीरियड में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपके पास थोड़ा सा जो टाइम पीरियड मैंने इसमें बढ़ाया है, 0 से मैंने थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाया तो 0.1 बचा है, और इसमें मैं बढ़ा के देखूँ मतलब टी प्लस का मतलब है 0 से ज़्यादा किया है, या फिर किसी भी टाइम पीरियड पर मान लीजिए, ये बात किसी भी टाइम पीरियड में आप मान लीजिए। ठीक, किसी भी टाइम पीरियड में मान लीजिए, प्लस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं अप्लाई करूँगा, तो आपके पास वी इन 0.1 आ गया, वी सी क्या आ गया आपके पास 0 वोल्ट, तो अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया इसको, अब आगे बढ़ते हैं, अब अप्लाई केवीएल करते हैं, केवीएल को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, तो देखिएगा केवीएल को किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए अप्लाइंग केवीएल ठीक, केवीएल को यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो केवीएल को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिएगा, तो आपके पास वी इनपुट 0.1 है और वी सी जो आपके किसी भी टाइम पीरियड पर 0 वोल्ट आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 0 वोल्ट आ रही है, तो आप इसका बिहेवियर चेक करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसका बिहेवियर कैसे चेक करोगे, तो वी इनपुट की वैल्यू मैं 0.1 लिख दूं, और मैं पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेके काम करता हूं, केवीएल लगाता हूं, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी लगाता हूं, तो 0.1 किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, फिर आपके पास वी सी की वैल्यू 0 वोल्ट, फिर नेक्स्ट बात करूँ वी डी की वैल्यू, तो वी डी की वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से,
बराबर 0, तो आपके पास VD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 वोल्ट। और VD को किस तरीके से लिख रहे हैं, पी एन फ्लो करंट किस तरीके से हो रहा है, पी टू एन हो रहा है करंट फ्लो, तो पी एन बराबर 0.1। और जैसे ही करंट इसमें से पॉजिटिव आ रहा है, वोल्टेज आपका 0.1 पॉजिटिव आ रहा है, तो डायोड आपके पास कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वो देखिए, जब आपको समझ में आएगा ऑफ कैसा हो जाएगा, ऑफ कैसे होगा, ऑफ किस तरीके से होगा, रिवर्स बायस किस तरीके से होगा, शॉर्ट सर्किट किस तरीके से होगा। वैसे भी पहले बता देता हूँ, अगर दोनों पी और एन आपके पास टर्मिनल है, यहाँ पर जो वोल्टेज का जो अंतर है या फिर डिफरेंस है 0.1 यानी पॉजिटिव रहता है, तो आपके पास किस तरीके से बात करेंगे देखिएगा। एक बार अपन गलत ही ले रहे हैं, पॉजिटिव होगा जो ऑन होगा आपके पास, सॉरी ऑन होगा आपके पास, पी टू एन क्या होगा, ऑन होगा। तो आपके पास क्या होगा, डायोड ऑन होगा, फॉरवर्ड बायस होगा और शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, अपने ने गलत ले लिया ये, ठीक है। डायोड क्या होगा, ऑन होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, यानी आपके पास जो पी टू एन करंट बहती है और उसमें जो वोल्टेज आता है पॉजिटिव आता है, तो डायोड का बिहेवियर क्या होता है, ऑन होता है। बायसिंग कैसी होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है, उसे हम शॉर्ट सर्किट करके चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन को पता चला कि ये कैसा बिहेव करेगा, आपके पास ऑन बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस बिहेव करेगा और शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन, इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अब देखो अपना अपना डायोड ऑन हो चुका है, अपना डायोड ऑन यानी फॉरवर्ड बायस हो चुका है और ऑन हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसको हटा दीजिए। अब इसकी जगह ऑन कैसे करोगे, शॉर्ट्स ऑन कैसे करोगे, इसको कुछ इस तरीके से ऑन करोगे जिसकी वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाएगी। अब क्या करोगे, तो 0 वोल्ट हो जाएगी, तो आउटपुट किस तरीके से लेंगे, यहाँ पर आउटपुट किस तरीके से लेंगे यहाँ पर वो देखिएगा। जो आपके पास आउटपुट होगा वी आउटपुट पैरलर टू पैरलर इसके RL जो आपके पास हाई है और पैरलर इसके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा आपके पास आउटपुट, कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब 0 वोल्ट आपके पास आउटपुट आ गया, इसमें देखिएगा 0 वोल्ट आपके पास क्या आ गया, आउटपुट आ चुका है 0 वोल्ट। तो फिर आगे किस तरीके से चलें अपन, ठीक है, तो आगे किस तरीके से चलें वो देखोगे, आपके पास आउटपुट क्या आ गया, 0 वोल्ट आ गया, तो देखिएगा आगे किस तरीके से अपन चलते हैं। देखिए आपके पास आउटपुट क्या आ गया, 0 वोल्ट आ चुका है, तो अब आगे चलते हैं अपन। अब टाइम कांस्टेंट की यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिएगा टाइम कांस्टेंट की किस तरीके से बात करते हैं, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट की किस तरीके से बात करते हैं देखिएगा। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टो बराबर आर टी एच मल्टीप्लाई सी, तो टो बराबर आर टी एच, तो आप यहाँ पर खड़े हो जाओगे, ये आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसे शॉर्ट सर्किट करो और सामने देखो आपके पास क्या आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है, 0 पैरलर क्या रहा है, क्योंकि ये करंट यहाँ पर जाएगा आपके पास, यहाँ पर करंट जाएगा तो पैरलर होगा, क्योंकि ये दोनों आपके पास डिवाइड होगा करंट, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा, तो करंट पैरलर होगा इसके 0 वोल्ट के पैरलर होगा और RL के पैरलर होगा, मल्टीप्लाई सी, तो टो बराबर क्या आ जाएगा, 0 सेकेंड, तो आपके पास क्या आ गया, 0 सेकेंड आ गया टाइम पीरियड। तो इस 0 सेकेंड का क्या मीन है वो देखिए, अगर इस कंडीशन को कह दीजिए आप, थोड़ा सा और लिखोगे यहाँ पर, थोड़ा सा बात और लिख दीजिए, दिस टाइप ऑफ कंडीशन is ideal condition and capacitor behave like ideal switch
ठीक है, इतना नोट कीजिएगा क्या बता रहा हूं मैं। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज ए आइडियल, आइडियल कंडीशन। कैपेसिटर बिहेव लाइक आइडियल स्विच। तो कैपेसिटर आपके पास क्या कैसा बिहेव करेगा? आइडियल स्विच की तरह बिहेव करेगा, यानी एक स्विच की तरह कैसे बिहेव करेगा? जैसे ही मैं ऑन करूंगा सर्किट को, जैसे ही मैं की से ऑन करूंगा सर्किट को, जैसे ही करंट इसमें जाएगा, ये तुरंत चालू हो जाएगा, तुरंत चालू हो जाएगा। तुरंत चालू होने का मतलब आपके पास जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो 0 सेकेंड आ रहा है। टाइम कॉन्स्टेंट 0 सेकेंड है, यानी जो चार्ज होने पर, कैपेसिटर को जो चार्ज होने पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, यानी यह बता रहा है आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कैपेसिटर को चार्ज होने में, और तुरंत चार्ज हो गया और आपके पास क्या आ गया? आइडियल स्विच की तरह बिहेव करने लगा, और जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो आपके पास कैपेसिटर ऑन हो जाएगा। तो कैपेसिटर ऑन हो जाएगा और वो मेंटेन, वही वोल्टेज मेंटेन रखेगा जो मैं इनपुट में, इनपुट से कैपेसिटर को जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वही वोल्टेज मेंटेन रखेगा। यहाँ पर जो मैं यहाँ पर इनपुट से कैपेसिटर को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वही जो आपके पास वोल्टेज है मेंटेन रखेगा, यानी 10 वोल्ट प्रोवाइड करा तो ये 10 वोल्ट मेंटेन रखेगा। कितना भी वोल्टेज मैं इस सर्किट में, इस साइकिल में, देखिएगा कौन सी साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, इस साइकिल में जो भी मैं वोल्टेज इसको प्रोवाइड करूँगा, 0 से T/4 के बीच में बात कर रहा हूँ, इस साइकिल में जो भी वोल्टेज मैं प्रोवाइड करूँगा उस साइकिल में वही मेंटेन रखेगा। देखिएगा नेक्स्ट अपन किस बात की बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की, तो इतना नोट करके चलोगे ठीक है। अब मैं इसको मिटो रहा हूं। अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की, प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करते हैं अब। तो देखिएगा किस तरीके से अपन प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करते हैं। तो देखिएगा प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल कंडीशन लगा दीजिए, प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करें। और प्रैक्टिकल कंडीशन में आपके पास ये डायोड है और डायोड एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा जिसकी वैल्यू होगी RF, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होगा जिससे रिप्लेस होगा जो आपके पास डायोड है। ये आपके पास डायोड था, ये डायोड था, P2N था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये VD था, रिप्लेस किससे होगा? एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से। और इसकी मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूं तो देखिएगा टाइम कांस्टेंट की किस तरीके से मैं बात करता हूं। तो आपके पास जो टाइम कांस्टेंट होगा टो बराबर RTHC, तो टो बराबर RTH की वैल्यू क्या होगी? RF पैरेलल टू RL मल्टीप्लाई C, तो ये भी क्या होगा? स्मॉल वैल्यू और सेकंड। एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा इसको, कि आपके पास जैसे RF से रिप्लेस करिया तो आपको थेवनिन रेजिस्टेंस निकालना है, तो थेवनिन रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालोगे? RTH मल्टीप्लाई C, जो आपके पास थेवनिन रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से निकालोगे? यहाँ पर आप खड़े हो जाओगे, इनपुट की पे खड़े हो जाओगे, इंडिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ इसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे और सामने देखोगे और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक RF मिलेगा, या इसकी जगह क्या मिलेगा? RF मिलेगा जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, और RL मिलेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरलर है, तो आपके पास करंट डिवाइड होगा, तो यहाँ पर पैरलर होगा, तो RF पैरलर RL होगा। RF वैसे ही स्मॉल लेते हैं, इस वैल्यू को बहुत ही स्मॉल लेते हैं अपन, तो इसकी जो RF पैरेलल RL की वैल्यू भी स्मॉल आ जाएगी, तो आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट भी स्मॉल आ जाएगा। और प्रैक्टिकल कंडीशन में भी बात करें तो ये आइडियल स्विच की तरह बिहेव करेगा, जैसे अपन जो भी इनपुट का वोल्टेज देंगे वैसे ही आपके पास कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहाँ पर आपके पास क्या वोल्टेज होगा वो बात करते हैं। देखिएगा क्या वोल्टेज होगा आपके पास, अब अप्लाई KVL करते हैं, ये जैसे ही ऑन हो जाएगा तो आपके पास क्या करते हैं? अप्लाई KVL करते हैं। तो देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं KVL को। देखिएगा इतना नोट कीजिए, फिर अपन यहाँ पर अप्लाई KVL करते हैं। यहाँ पर KVL को किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखिए। तो अप्लाइंग ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, अप्लाई KVL किस तरीके से करते हैं।
तो देखिएगा, अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल, केवीएल को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो माइनस वी इन प्लस वी सी यहाँ पर अप्लाई करते हैं केवीएल को। तो ये आपके पास 0 वोल्ट बराबर 0, तो वी इन बराबर वी सी, और यहाँ पर वी आउटपुट बराबर 0 वोल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर, क्या बात कर सकता हूँ, आर एल आपके पास हाई है तो क्या बात कर सकता हूँ, कि जो मैं इनपुट दूंगा कितने पे, T/4 तक जो भी आपके पास इनपुट दूंगा, मान लीजिए वी एम इनपुट दिया हूँ, तो आपके पास वही वही अब्जॉर्व कर लेगा, वी सी जो कैपेसिटर वोल्टेज है वही ऑब्जॉर्व कर लेगा T/4 टाइम पीरियड पर, वी एम ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक, इतना नोट करके चलोगे, इस बात को कहीं लिख देते हैं, आपके पास कितने टाइम पीरियड में आता है ये, 0 से जो अपने टाइम पीरियड रखते हैं, T से T/4 के बीच में जो टाइम पीरियड रख रहे हैं उसके बीच में आपके पास ये वोल्टेज आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ 0 से T T/4 के बीच में आपके पास क्या आता है, वी आउटपुट 0, क्योंकि आउटपुट की अपने पास क्या बनानी है, वेव फॉर्म बनानी है, आउटपुट की क्या बनानी है आपके पास, वेव फॉर्म बनानी है। तो उसके नज़रिए में अपन इसको लिखेंगे कहीं, तो यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इतना नोट करके चलोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा के देखते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा के देखते हैं, थोड़ा सा टाइम पीरियड आपके पास क्या करते हैं, बढ़ा के देखते हैं। तो किस तरीके से अपन थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा के देखते हैं और कैसे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा, थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाएं तो आपके पास किस तरीके से बढ़ाते हैं वो देखिए। यहाँ से अपन कहाँ पहुँच चुके हैं वो देखिए, देखिएगा एक बार कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपन, पहुँच चुके हैं देखिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से आगे चलें, यहाँ से अब आगे चल रहे हैं, तो यहाँ से आगे चलेंगे तो आपके पास जो वी इनपुट है, मैं आगे चलूँ यहाँ से आपके पास आगे चलूँ, वी इनपुट क्या हो जाएगा आपके पास, आगे चलूँ तो आपके पास T/4 से कुछ आगे चलूँगा, प्लस आगे चलूँ, अपनी गाड़ी आगे चलाई तो यहाँ पर प्लस लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ मैं, आगे चला तो 9.9 वोल्ट आएगा, तो 9.9 वोल्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब VC क्या होगा, कैपेसिटर वोल्टेज क्या होगा, T+T/4 प्लस पर क्या होगा, देखिएगा इस पर क्या होगा, जैसे ही अपन आगे चले, अब 9.9 वोल्ट हो गया। ठीक है, परंतु डायोड का वोल्टेज, पहले कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट था, और मैंने इनपुट का वोल्टेज कम कर दिया, तो वही मेंटेन रखना चाहेगा, क्या रखना चाहेगा, जो कैपेसिटर वोल्टेज है वही मेंटेन रखना चाहेगा, अलाउ नहीं करेगा इसके वोल्टेज में चेंज करने के लिए। मैंने इसको बढ़ाया, इनपुट के बढ़ाया तो मैं सोचा कि ये भी कम होगा, कम नहीं होगा, वही मेंटेन रखेगा, कितना, 10 वोल्ट। तो केवीएल लगा दीजिए, अप्लाइंग केवीएल, ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो कैसे लगाओगे, अप्लाइंग केवीएल, केवीएल एट T/T/4 प्लस पे क्या अप्लाई कर सकते हो, केवीएल अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से अप्लाई करोगे, -10 प्लस 9.9, गलत लिख रहे हैं, देखिएगा किस तरीके से लिख रहे हैं, तो एक बार, तो देखिएगा यहाँ पर कितना वोल्टेज हो गया, इनपुट का वोल्टेज कितना हो गया, -9.9 वोल्ट। ठीक है, प्लस VC 10 वोल्ट, और आगे चले ये आपके पास कितना आ गया पता नहीं मुझे, VD, इसको एक बार पता नहीं है तो इसको मिटाओ के सही लिखो, सही लिखो भाई, ये सर्किट दूसरा आ गया अपना, तो ये पता नहीं है वोल्टेज कितना होगा इसका, तो इसको वापस से वही लिख दो, पता नहीं है तो इसको क्या कर दो, वही लिख दो VD, क्योंकि इसका वोल्टेज अपने को पता ही नहीं, VD, और ये हो गया P, ये हो गया आपके पास N, तो इसका वोल्टेज आपको पता नहीं, तो VD बराबर 0। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिएगा 9.9
इस तरफ चला जाएगा तो वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 9.9 माइनस का 10, ठीक है। तो इसमें कितना वोल्टेज आपके पास आ जाएगा, तो मैं इसको मिटो के चलता हूँ, तो देखिएगा किस तरीके से इसका वोल्टेज आता है। तो देखिएगा तो आपके पास वी डी की वोल्टेज कितनी आती है, वी डी बराबर माइनस 0.1 वोल्ट आपके पास आती है, नेगेटिव आती है क्योंकि वी डी की पी टू एन करंट फ्लो हो रहा है। क्या करंट फ्लो हो रहा है, पी टू एन करंट फ्लो हो रहा है आपके पास, ये वी सी, ये सी, पी टू एन आपके पास क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो आपके पास पी एन क्या आ जाएगा, 0.1 वोल्ट हो जाएगा, 0.1 वोल्ट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 0.1 वोल्ट आपके पास हो गया, पी टू एन करंट है, ये माइनस है, तो डायोड का बिहेवियर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह आ गया, क्योंकि दोनों के वोल्टेज का अंतर पी और एन टर्मिनल के वोल्टेज का अंतर क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है, तो ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा और ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब आप ठीक है, इतनी बात कर ली अपन ने, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब ओपन हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसको हटाते हैं और इसकी जगह प्लस माइनस वी डी ही आपके पास हो जाएगा, ओपन सर्किट मैंने इसको कर दिया, इतना नोट करके चलोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलें भाई। तो देखिएगा नेक्स्ट किस तरीके से अपन बात करते हैं, तो आपके पास ओपन सर्किट हो गया, तो अब टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं, तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं, तो आपके पास टाइम कांस्टेंट किस तरीके से डिफाइन करेंगे, टो बराबर आर एस टी आर टी एच सी, तो टो बराबर आर टी एच यहाँ पर खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स है और आगे देखोगे ये ओपन सर्किट, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो, जो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो ओम या फिर लगेगा ही नहीं, या हाई वोल्टेज होगा इसका भी, जो रेजिस्टेंस लगेगा उसकी भी, उसकी वैल्यू क्या होगी, हाई, क्योंकि दोनों सर्किट ओपन है, तो यहाँ पर करंट कितनी फ्लो होगी, जीरो एम्पियर करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो जो भी रेजिस्टेंस लगेगा, अगर प्रैक्टिकल की बात करें, जो भी आपके पास आर रिवर्स बायस का जो रेजिस्टेंस लगेगा आर, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अगर उसको आइडियल कंडीशन मान के चलें तो उस कंडीशन में देखिएगा किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो आइडियल कंडीशन में आर टी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको रहने दीजिए, तो आर एल सी, और आर एल की वैसे भी वैल्यू हाई है तो ये भी वैल्यू हाई, टाइम पीरियड आपके पास हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, 2.5 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करूँ तो देखिएगा प्रैक्टिकल कंडीशन की किस तरीके से मैं बात करता हूँ, तो प्रैक्टिकल कंडीशन की किस तरीके से बात करता हूँ, अगर प्रैक्टिकल कंडीशन में मैं आरआर की वैल्यू ले लूँ, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, हाई यानी 10³ मेगा ओम तक की हम ले लेते हैं, ठीक है। कई किताबों में 10³ मेगा ओम तक लिखा होता है, तो उस तरीके से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो आपके पास टो बराबर आर टी एच सी, तो आप यहाँ खड़े होकर देखोगे ये आर आर पैरलर टू क्या हो जाएगा, आर आर पैरलर टू आर एल मल्टीप्लाई सी, टो बराबर क्या हो जाएगा, वैसे भी हाई आ जाएगा, ठीक है, इतना नोट करके चलिए। फिर आगे क्या करते हैं, यहाँ पर ये आपके पास हाई आ चुका है, अब केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है, केवीएल अप्लाई करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर भी करंट क्या जाएगा, जीरो एम्पेयर, क्योंकि ये आपके पास हाई है, तो करंट जाएगा नहीं, क्योंकि करंट क्या शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करेगा, तो यहाँ भी करंट जाएगा, तो जीरो एम्पेयर ही आपके पास जा पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आपके पास किस तरीके से बात कर पाऊँगा वो देखोगे, ठीक है। आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट हाई आ गया, और अपन पहले वाली कंडीशन में जब आपके पास ऑन था, कैपेसिटर ऑन था, जब चार्ज हो गया था कैपेसिटर चार्ज हो गया था, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आई थी, जो वीसी की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, कितनी आई थी,
टी बाई फोर पे अपन चर्चा किए थे, जो मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड के, जो वेव के एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आई थी। और वी इनपुट अपन ने क्या रखा था, टी बाई फोर पे रखा था, वही आपके पास आई थी। तो आपके पास क्या होगा, अब कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर कैन नोट, इतना नोट कीजिए पहले एक बार, ठीक है। फिर अपन आउटपुट निकालते हैं, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, ठीक है, नोट करके चलोगे इतना। फिर अपन अप्लाई करते हैं केवीएल को, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मिटा देते हैं, ठीक है, देखिएगा। फिर अप्लाई केवीएल अप्लाई करते हैं, फिर अपन केवीएल को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग केवीएल, देखिएगा केवीएल को कैसे अप्लाई करते हैं। तो इनपुट आपके पास क्या हो गया, माइनस का इनपुट, प्लस का वीसी, और वीसी प्लस का वीसी, और वी आउटपुट कितना आ जाएगा, वी आउटपुट प्लस का वी आउटपुट जीरो। तो क्या आ जाएगा, वी इन बराबर, देखिएगा एक बार, देखिएगा ढंग से, देखिएगा एक बार आपके पास क्या कर रहे हैं अपन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस वी एम आ गया, माइनस वी इन आ गया, प्लस वी सी आ गया, प्लस वी आउटपुट आ गया, ठीक है, ये आपके पास जीरो हो चुका है, ठीक है। अब बात करें अपन, ये नेगेटिव आ रहा है क्या आपके पास, ठीक है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, उसके बाद में ये वाली पॉसिबिलिटी, फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ठीक है, और ये प्लस वाली, फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से अपन लेते हैं, फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली, इसमें ये भी फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी ले ली, ये भी फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी ले ली, और इसमें भी फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी ले ली। केवीएल लगाते टाइम आप सबसे पहले फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी लोगे, ये वाली फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी ले ली, ये वाली ले ली, और ये वाली ले ली, ठीक है। तो आपके पास किसकी वैल्यू निकालनी है, वी आउटपुट की निकालनी है ना, वी आउटपुट बराबर वी इन पॉजिटिव माइनस वी सी, और माइनस वी सी कितना था आपके पास, अपन टी बाई फोर पे चर्चा की थी, तो टी बाई फोर पे चर्चा की थी तो 10 वोल्ट था, क्योंकि वी एम अपन ने 10 वोल्ट ले लिया, मान लीजिए जो वी एम जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, और आपके पास वी सी टी बाई फोर पर कितनी वैल्यू है वो भी 10 वोल्ट है, यानी वी एम के बराबर। अगर टी बाई फोर पे बात करें तो वही मेंटेन रखेगा, और नेक्स्ट अपन ने बात की थी ये वी एन की, तो वैल्यू आपके पास 9.9 हो गई थी, परंतु ये वी सी की वैल्यू 10 वोल्ट मैक्स जो अपन ने मैक्सिमम वी एम थी वही अपन ने बरकरार रखी थी, वही अपन ने रखी थी बरकरार, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चर्चा करें तो वी नेक्स्ट अपन चर्चा करें तो देखिएगा, तो नेक्स्ट अपन चर्चा करें तो देखिएगा वी आउटपुट बराबर क्या जाएगा, वी इन माइनस 10 वोल्ट, ठीक है, ये आपके पास वी आउटपुट आ गया। तो इस केस में कैपेसिटर, कैपेसिटर कैन नॉट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज्ड फॉरएवर, फॉरएवर, अब कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा आपके पास, कैपेसिटर क्या नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है, कैन नॉट डिस्चार्ज फॉर एवर, आपके पास कैपेसिटर कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इतना नोट करके चलोगे, इतना नोट करके चलोगे, आगे अपन बात करते हैं, इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे अपन बात करते हैं। तो देखिएगा आगे अपन किस तरीके से बात करते हैं, नोट कर लीजिए इतना, पहले आप नोट कर लीजिए इतना, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको भी कहीं रख लेते हैं, इसके बाद में जो आपके पास वैल्यू होगी, ये आपके पास जो वैल्यू होगी, जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ, इसके बाद में की कहानी है ये, इसके बाद की, फॉर एवर बोल दिया तो इसके बाद की ये कहानी रहेगी, इसके बाद की जो वेव है टी तक की वेव है उसकी कहानी यही रहेगी, जिसका वोल्टेज आपके पास ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं।
वी आउटपुट अपने पास क्या आया था, वी आउटपुट क्या आया था, तो आपके पास वी आउटपुट क्या आया था, आउटपुट क्या आया था, वी इन माइनस 10, और वी आउटपुट किसके बराबर है, ये अगर मैं यहाँ पर कोई भी डायोड ले लूँ, आपके पास डायोड ले लूँ, तो वी डी के बराबर है, तो ये आपके पास वी डी के बराबर है, और वी डी को पी एन लिख सकते हो, तो पी एन, और पी एन है, पी से एन की तरफ करंट फ्लो हो रहा है आपके पास, करंट किसकी तरफ से फ्लो हो रहा है, पी से एन की तरफ फ्लो हो रहा है करंट, तो यहाँ पर आपके पास ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, पी एन नेवर नेगेटिव, पी एन वोल्टेज इज नॉट नेगेटिव नेगेटिव फॉर एवर देन आपके पास क्या आ जाएगा, डायोड कैन नॉट बी ऑफ, डायोड कैन नॉट ऑफ, आपके पास डायोड कभी भी ऑफ नहीं होगा, क्योंकि पी एन है, एन पी होता जब नेगेटिव आता आपके पास, इस वैल्यू के आगे नेगेटिव जब आता और वी इन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 10 टू 10 वैल्यू, ठीक है, माइनस 10 से प्लस 10 के बीच में वैल्यू आएगी, क्योंकि आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये आपके पास मैक्सिमम है तो 10 वोल्ट मान लिया, ये आपके पास मिनिमम तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस 10 वोल्ट मान लिया। अब नेक्स्ट अपन बात करें तो इसकी वैल्यू डायोड ऑफ क्यों नहीं हुआ, इसकी बात करते हैं, देखिएगा नोट कीजिए, इतने मैं आपका टाइम पीरियड देखता हूँ कितना हुआ है। इसकी अपन बात करते हैं, देखिएगा डायोड का जो वोल्टेज है ये पी एन नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, तो इसका जो जनरलाइज है अपना टो बराबर हाई है, हाई का मतलब कैपेसिटर चार्ज, आपके पास कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तो डिस्चार्ज नहीं हो रहा कैपेसिटर, तो यहाँ से करंट यहाँ पर जा रहा है, और पी टू एन ये जुड़ा हुआ है, पी टू एन ये आपके पास जुड़ा हुआ है, जिससे ये कैपेसिटर चार्ज हाई है, हाई का मतलब कभी जो स्टेट है, तो का मतलब जो स्टेट है वही बरकरार रखेगा, हाई का मतलब कभी भी आपके पास जो स्टेट है वही बरकरार रखेगा, तो डिस्चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पर करंट पहुँचेगा पी टू एन, ठीक, तो इसके डायोड ऑफ कभी भी आपके पास फॉर एवर कभी भी ऑफ नहीं होगा, कैन नॉट ऑफ, ठीक। अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं इसके आउटपुट वेव फॉर्म की, तो आउटपुट वेव फॉर्म किस तरीके से चर्चा करेंगे, तो देखिएगा ये आपके पास इनपुट वेव फॉर्म है, और आउटपुट वेव फॉर्म की एकदम डिटेल में चर्चा करते हैं, तो एक जो फिनोमिना आया है ये आगे का जो फिनोमिना है पी डी जो आपके पास आउटपुट का फिनोमिना है, पी आउटपुट बराबर वी इन माइनस 10, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं किस तरीके से इसकी चर्चा करते हैं आउटपुट वेव फॉर्म की। जो आपके पास चर्चा करते हैं अपन, जो भी अपने पास आपके पास क्या होता है, जो भी आपके पास क्लैंपर सर्किट होता है, जिसकी हम नेगेटिव क्लैंपर सर्किट होता है, उसमें क्या करते हैं, तो उसमें अपन सबसे पहले पढ़ा था अपन ने कि डीसी लेवल को जोड़ते हैं, नेगेटिव डीसी लेवल को जोड़ेंगे, रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर जुड़ेगा, ये नेगेटिव डीसी लेवल है, जो रेफरेंस वोल्टेज है आपके जीरो रेफरेंस वोल्टेज है एक्चुअल में मानते हो, उसके ऊपर जुड़ेगा, ठीक है। किस में जोड़ते हैं डीसी लेवल, एसी वेव फॉर्म में जोड़ते हैं, एसी वेव फॉर्म में अपन डीसी नेगेटिव डीसी लेवल को जोड़ते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से जोड़ते हैं, आपके पास जो आउटपुट आएगा उसका, तो इनपुट तो होगा ही माइनस 10, नेगेटिव जोड़ा है तो माइनस 10, जो मैक्सिमम मान है वही रेफरेंस वोल्टेज होता है, अगर डायरेक्ट करें तो वी इन माइनस 10, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, वी इन को क्या लिखते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 10, ठीक है, इस तरीके से अपन नोट करेंगे। अब इसके आउटपुट वेव फॉर्म पर चर्चा करते हैं, तो देखिएगा आउटपुट वेव फॉर्म पर चर्चा किस तरीके से करते हैं, देखिए भाई आउटपुट वेव फॉर्म पर चर्चा किस तरीके से करते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म पे चर्चा किस तरीके से करते हैं,
देखिएगा, बस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना पार्ट रहा है आउटपुट वेवफॉर्म पे चर्चा किस तरीके से करते हैं। इनपुट वेवफॉर्म आपके पास ये रही, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम मान हो गया, ये इसका मिनिमम मान हो गया। अब इसका आउटपुट वेवफॉर्म की चर्चा करें तो नीचे आप ऐसे लिखोगे, कई बातें हैं आपको अलग लग रही होंगी तो वो भी मैं बताऊंगा आज क्या है इसमें अलग। कल भी वाले में भी मैंने अलग बताया था, वो भी देखिएगा किस तरीके से अपन अलग पढ़ रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके से डिटेल में पढ़ रहे हैं। फिर सारे क्वेश्चन बहुत स्पीड से लगाएंगे। देखिएगा ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू वी एम, ये आपके पास जीरो, ये माइनस वी एम, और यहाँ पर ये जीरो, ये नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ, तो माइनस वी एम, ये माइनस टू वी एम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो जीरो से टी बाई फोर, ये आपके पास टी बाई फोर, ये टी बाई टू, और ये थ्री टी बाई फोर, ये टी, ठीक है, ये एक साइकिल हो गई, ये नेक्स्ट साइकिल हो गई आपके पास। ठीक है, तो देखोगे तो आपके पास किस तरीके से ग्राफ बनता है। जीरो से टी बाई फोर आउटपुट जीरो, तो ये आपके पास आउटपुट जीरो का, ये आपके पास आउटपुट जीरो। ठीक है, अब आगे से आगे ये फॉलो कर रहा है वी आउटपुट वी इन माइनस टेन, तो इस पर आपके पास आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब इससे आगे चर्चा करें तो इससे आगे का पॉइंट ये, तो टी बाई फोर पर जीरो, तो जीरो माइनस टेन यानी वी एम, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैच कर लीजिए वी इन और इसकी जगह वी एम ले लीजिए। ठीक है, जीरो माइनस वी एम, ठीक है, जीरो माइनस वी एम क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वी एम, तो वी एम, तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट मार्क कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पॉइंट थ्री टी बाई फोर पे माइनस वी एम, माइनस वी एम, माइनस वी एम क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस टू वी एम। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो, जीरो माइनस वी एम, तो आपके पास वी एम हो जाएगा ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट है आपका ये पॉइंट वी एम, तो वी एम माइनस वी एम जीरो, और नेक्स्ट पॉइंट है जीरो, तो ये वी एम, नेक्स्ट पॉइंट है ये, और नेक्स्ट पॉइंट है जीरो, तो माइनस वी एम, ये आपके पास माइनस वी एम, माइनस वी एम, तो यहाँ पर टू वी एम, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। बस ये जीरो है, यहाँ देखो जीरो, ये वैल्यू पुटअप इनपुट की रखो, माइनस वी एम है तो यहाँ पुटअप करो, प्लस वी एम है तो इस जगह वैल्यू इनपुट की सारी वैल्यू इस जगह पुटअप करो और आउटपुट की वैल्यू आपके पास ऐसे आ जाएगी। देखिएगा कुछ इस तरीके से आपके पास आउटपुट बनेगा। अगर हम बात करें ठीक है, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा, और अगर हम बात करें तो देखिएगा किस तरीके से आगे की हम बात करते हैं, तो देखिएगा तो ये आपके पास सर्किट हो गया। तो इतना जो सर्किट है, इतना एक साइकिल वाला सर्किट है, ये देखिए, ये आपके पास इतना जो एक साइकिल वाला सर्किट है, ये एक साइकिल टी वाला सर्किट है, देखिएगा एक साइकिल आपका कहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये वाला, ये साइकिल एक कंप्लीट हो रही है आपकी। ठीक है, और आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ चल रहा है आगे, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आगे चलेगा। ठीक है, और ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो ये आपका क्या होगा, स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट कंडीशन, जो एक्चुअल में सभी किताबों में लिखा होता है,
परंतु एक साइकिल सभी किताबों में इस तरीके से लिखी नहीं होती, इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट। अगर हम बात करें कि टी बाई फोर पर कर्व कैसा होता है, तो जीरो ही होता है, आउटपुट कितना होगा, जीरो होगा। और यहाँ से आपकी साइकिल चालू हो रही है, जीरो जीरो, टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर, और ये टी। तो देख लीजिए टी बाई फोर पे यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। तो अब ये नहीं पूछ रहा ट्रांजिएंट स्टेट है या स्टडी स्टेट स्टेट है, स्टडी स्टेट कंडीशन है या ट्रांजिएंट कंडीशन है। तो आपके पास दोनों में आपके पास सही है, परंतु इन वैल्यू के लिए पूछ ली जाए तो आपकी ये गलत हो जाएंगी, अगर ये वैल्यू आप बता देते हो। और कॉमन वैल्यू के लिए दोनों ही आपके पास सही होगा, ठीक है। आगे से अपन ये कर्व पढ़ के चलेंगे, इतना वाला, ठीक है, क्योंकि यह इतना एग्जाम में पूछता नहीं है, पिछले वीडियो में बताया, अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इस तरीके से आप नोट करके चलोगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इतना आप नोट करके चलोगे, इतना आप नोट करके चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे क्लैंपर के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्लैंपर के प्रकार पढ़ेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्लैंपर के प्रकार पढ़ेंगे। इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।